तो अगर आपको अपनी गाड़ी के पेंट से जरा भी प्यार है और अगर आप चाहते हो कि हमारी गाड़ी में भी ऐसा पेंट खराब ना हो जाए तो इस वीडियो में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी कार में आपको लगा के दिखाने वाला हूँ डोर सिल प्लेट्स। और दोस्तों, ये जो डोर सिल प्लेट्स होती है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं अपनी कार में लगा के, वो तो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको डोर सिल प्लेट्स भी बोलते हैं और वेलकम प्लेट्स भी बोल देते हैं। और ये जो प्लेट्स है, ये दो तरीके की आती है, जिसमें से एक होती है स्टील प्लेट्स जो कि बिना एलईडी लाइट्स के होती है, और दूसरी प्लेट्स होती है ग्लास फिनिश में जिसमें एलईडी लाइट्स लगी रहती है। दोनों ही प्लेट्स में आपको कार के नेम की बैजिंग जरूर मिलेगी, लेकिन एक प्लेट्स में आपको एलईडी लाइट मिल जाएगी जो कि ग्लो करेगी, जो भी गाड़ी का नाम लिखा होगा वो आपको ग्लो करेगा उस प्लेट्स के अंदर। और जो स्टील प्लेट्स है उस पर लाइटिंग सिस्टम नहीं होता है, सिंपल एक स्टील प्लेट होती है, ठीक है। और ग्लास फिनिश एलईडी लाइट वाली और सिंपल स्टील प्लेट वाली में क्या फायदे क्या नुकसान है, ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप ये वीडियो एंजॉय करो और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी वाली ज्यादा सही रहने वाली है। और मैं दोनों ही प्लेट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आपको पसंद होगी आपके हिसाब से वो आप परचेज कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर कार से रिलेटेड सभी टाइप की वीडियो आती रहती है। और अगर मेरी वीडियो से आपको 1% भी कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो अब कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जिसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है और ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। तो जल्दी से मैं इस बॉक्स को खोलकर दिखा देता हूँ, इस बॉक्स में से हमें क्या चीज मिलने वाली है। तो मैंने इसको यहाँ पर पहले से ही खोला हुआ है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ जो इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा बॉक्स हमें मिलने वाला है। तो इसका जो पैकिंग वाला बॉक्स है, ये फालतू में ही इन्होंने बड़ा दिया है पैकिंग करके, ताकि लगे कि सामान बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी है नहीं है। सामान जो हमारा है ये गाड़ी का, वो सिर्फ इतने पतले बॉक्स में आता है। तो मैं इस बॉक्स को साइड पे रख देता हूँ। ये डोर सील प्लेट्स है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बॉक्स से निकाल कर दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं अपनी कार के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इस बॉक्स से निकाल कर देख लेते हैं किस तरीके का ये प्रोडक्ट होने वाला है हमारी कार के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस बॉक्स को भी साइड पर रख देता हूँ और देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से रैप किया हुआ है। तो यहाँ पर दो बड़ी प्लेट्स मिल जाती है हमें और दो छोटी प्लेट्स मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग पैक किया हुआ है। जल्दी से मैं इसको यहाँ से निकाल कर आपको दिखा देता हूँ, और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग की बात मैं आपको बता दूंगा। पहले इसमें से मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल कर रख लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी बड़ी वाली प्लेट्स है, और मैं छोटी वाली को भी निकाल लेता हूँ। तो एक ये होगी और दूसरी वाली ये होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी गाड़ी के चारों डोर के लिए प्लेट्स दी गई है, और सभी प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है। हमारी गाड़ी सेंट्रो जिंक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने जिंक की बैजिंग इसके ऊपर दी गई है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और जो बड़ी वाली प्लेट्स है, इसके ऊपर जिंक भी लिखा है, प्लस इसमें ये ऐसी लाइन्स ही दी है, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। इन लाइन्स की वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रही है प्लेट। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की, और ये किस मटेरियल का बना हुआ है ये प्लेट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो ये प्लास्टिक की नहीं है, स्टील मेटल की बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ ये दिया गया है, और बहुत ही मजबूत है, स्टील की है, प्लास्टिक की नहीं है, ना ही ग्लास की है। और जो ग्लास वाली प्लेट आती है डोर के लिए, तो दोस्तों वो उसके अंदर एलईडी लाइट्स होती है, इसके अंदर एलईडी लाइट का कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया है। और दोस्तों, मैंने अपनी कार के लिए एलईडी लाइट वाली प्लेट्स इसलिए नहीं मंगाई है, क्योंकि अगर उसकी एलईडी लाइट किसी वजह से ख़राब हो जाती है कुछ दिनों के बाद, तो फिर वो बाद में ऐसी सिंपल प्लेट की तरह ही हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा बेहतर है हम अपना सिंपल वाली प्लेट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि हमारी गाड़ी में लाइफ टाइम लगी रहेगी, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ, मुझे एलईडी लाइट वाली ही प्लेट्स परचेज करनी चाहिए थी या ये वाली प्लेट ज़्यादा सही है, कमेंट करके बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी रहती। और दोस्तों, इस प्लेट्स को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, इसके पीछे ये डबल साइड टेप दी गई है यहाँ पर। और दोस्तों, इस प्लेट्स में मुझे सारी चीज़ अच्छी लगी है, बस एक चीज़ को छोड़कर, ये जो इसके पीछे डबल साइड टेप दी गई है, ये इन्होंने लोकल वाली दी है, मतलब 3M की टेप नहीं है। देखा जाए तो ये वाला पॉइंट हम ज़्यादा ख़राब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में ये 3M के टेप का रोल हमेशा ही रखता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो मैं इस वाली टेप का यूज़ ना करके इस वाली टेप का यूज़ करूँगा। और अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए 3M के टेप का रोल चाहते हो, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से मैं ये वाली डबल साइड टेप जो 3M की है, वो इसके ऊपर ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से इनके रैप को निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, इन प्लेट्स को लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें
क्या मिलने वाला है हमारी गाड़ी में। हम अपनी गाड़ी को जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम अपना पैर रखते हैं तो इस जगह पर देख सकते हो जो हमारी गाड़ी का पेंट होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है और कुछ इस तरीके से गाड़ी हमारी यहाँ पर हो जाती है। तो ये वाली प्लेट लगाने के बाद हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और अपनी गाड़ी के लुक को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लेट को इंस्टॉल करने से पहले ये जो जगह है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है यहाँ से और अब सिंपली आपको एक जगह देखकर इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेट को सिंपली इस जगह पर रखना है, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे चिपका देना है कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद इसके ऊपर दबाव डालना है अच्छे से और दोस्तों ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी गाड़ी की पीछे वाली साइड है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें कुछ भी स्क्रैचेज नहीं आए हैं, इसका पेंट नहीं ख़राब हुआ है पीछे की साइड से। इसकी वजह सिर्फ यही है कि पीछे ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है गाड़ी, तो इस वजह से पेंट यहाँ का निकला नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर आगे से ही गाड़ी यूज होती है और सबसे ज़्यादा तो ड्राइवर साइड, बाकी जिनके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं और गाड़ी पीछे भी लोग बैठते हैं तो उनका यहाँ से भी पेंट निकलने का चांसेस पूरा रहता है। तो जल्दी से मैं इस पर भी लगाकर दिखा देता हूँ और फाइनल लुक देख लेते हैं इस प्लेट को लगाने के बाद कैसी लगती है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने पीछे के साइड भी इस प्लेट को लगा दिया है बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कैसा हमारी गाड़ी के अंदर लुक आता है। तो अभी यहाँ पर धूप हो रही है तो धूप में किस तरीके से ये प्लेट नज़र आ रही है वो आप देख सकते हो, और फ्रंट वाली यहाँ पर धूप नहीं आ रही है तो फ्रंट में भी देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारी गाड़ी के अंदर लुक आ रहा है। तो पहले से मुझे अच्छी लगी, तो आपको ये, तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये प्लेट और गाड़ी में इसको लगाने के बाद गाड़ी का लुक कुछ चेंज हुआ है या वैसे का वैसे ही है, या फिर इसको लगाना वर्थ इट है या नहीं है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। दोनों साइड मैंने लगा दी है, अभी दूसरी साइड मुझे लगाना है तो उधर का मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि इतना तो आपको भी पता है इसको लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से ये लग जाती है तो मैं उसको लगा लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डूरसील प्लेट्स पसंद आई होगी और अगर आपने अपनी कार में पहले से ही डूरसील प्लेट्स को लगाया हुआ था तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस डूरसील प्लेट्स के साथ। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।